हेलो जी, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। इधर तो भगवान जी की पूजा करने में लगा हुआ है बच्चा सुबह सुबह, और आज इसके एग्जाम नहीं है। एग्जाम कब है? कल को, बस 5 तारीख में खत्म हो जाएगा। नहीं, इसका बस कल 8 एग्जाम है, कल खत्म हो जाएंगे इसके एग्जाम। और अभी भगवान से प्रार्थना मांग के क्या कर रहा है कि मुझे पास कर दियो है। इधर बॉबी लंच लगाने में तैयार है मेरी, और मेरे लिए मिर्च का अचार जो बनाया था अभी से देना शुरू कर दिया है। अभी ये हुआ नहीं है अचार, मतलब इसका बना नहीं है, क्योंकि ना थोड़े दिन बाद ये गल जाता है। ऐसे है क्या? ये मैं गलत बोल रहा हूँ? मम्मी बाहर थी तो ये अपनी छोटी बहन के पास, बड़ी बहन के पास थी, और देखो पीछे पीछे जरूर अंगूठा चूस रही होगी। जरा दिखाना। हाँ ये देखो, अगर ये चुपचाप शांति से बैठी है ना, कुछ हल्ला गुल्ला नहीं कर रही है, तो मतलब इसका अंगूठा चूस रहा है ना। इसे दूध पी रही है, या अंगूठे में से दूध निकलता है क्या इसमें से? ऐ दूध निकलता है इसमें से? ये इस पे गई है, और ये जो है ना अंशी, अंशी भी चूसती थी। हाँ आवाज लगाती है। हाँ देखो देखो, हाथ पकड़ के मम्मी मम्मी को शिकायत लगा रही है, माँ शिकायत लगा रही है। और ये सुबह सुबह कार्टून देखने का इसका स्टार्ट हो गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लंच तैयारी करने का हो गया है। सबसे बड़ी बात है ना, सबसे पहले की बात है ये, अपना लंच उठाओ और ऑफिस जाओ, हमें काम निपटाना है। देखो इसे गाल छूट रही है, इसे गाल छूट छूट कर दिखा रही इसकी मम्मी को। इधर मैं पिताजी से मिलने आया था, पर पिताजी तो नहीं मिले हैं, पर अक्षित मिल गया आज पिताजी के बैठा हुआ, और मुंह उधर को रखा कोने में को, जिससे इधर उधर की चीजें दिखाई नहीं दे रही। तो क्या कर रहे हो? मतलब याद कर रहा है, लर्निंग कर रहा है ये। हाँ और देखो मैं टिफिन फिर भूल गया था, ये मेरा बेटा पीछे पीछे लेके आ गया, पापा टिफिन टिफिन दे गया था, और आजकल मैं इसी का टिफिन लेके जा रहा हूँ। ये बुआ ने टिफिन दिया था इसके लिए, कन्नों के लिए, और ये मैं लेके जा रहा हूँ। और देखो उसमें से कुछ निकाल लिया सामान, पिताजी के बेड के नीचे कुछ ना कुछ सामान रखे रहते हैं छोटे मोटे से, वो सब निकाल लेता है ये। तो चले जी, मैं करता हूँ बाय बाय, और आपको मिलता हूँ आके शाम को। वैसे तो मम्मी कह रही कि शाम को थोड़ा जल्दी आना, कल रास्ते में चोर मिल गए थे पड़ोसी को, तो हमारे तो इस वजह से कह रहे जल्दी आना थोड़ा सा, जिससे कि बाइक वाइक छीनने का या फिर ऐसा होता तो नहीं है, पर कल ऐसा हुआ है, इस वजह से थोड़ा से सचेत रहना पड़ता है। अभी 11 बज चुके हैं, और है ना हमारी वाणी का यहाँ पर सो गई है। बस मुझे अब कमरे की साफ सफाई करनी है, कर लूँ कि पापा कहीं जाम में फंस गए हैं, उनका अभी अभी फोन आया था, और मम्मी को भी खाना खिला दिया है, अंशी ने बना दिया था खाना इनका, और मैंने सारे के सारे इधर देखे कपड़े धो दिए, सारे के सारे दो तारों तो कपड़े धुल गए, थोड़े से और रह गए। जो कन्नू के पापा की शर्ट होती है ना, उन पे तो ब्रूस लगाना ही पड़ता है, क्योंकि वे बहुत ही गंदी रहती है, और आज मुझे करनी है इधर साफ़ सफाई, सेफ की साफ़ सफाई करनी है। होली की जो तैयारी है वो हमारी शुरू हो गई है, तो सबसे पहले तो मैं सेफ लगाऊंगी, और मैंने सेफ के सारे कपड़े एक साइड निकाल लिए, यहाँ पे झाड़ू लगा दी थी, पोछा लगा दिया था अच्छे से, तो यहाँ पे रख दिए सारे के सारे। पहले पोलोथीन डाल रखी है, फिर साड़ियाँ उनके ऊपर रख रखी है, तो अभी ये लगानी है। सबसे पहले सेफ की उस वाली साइड को लगाऊंगी मैं। और अभी से आई है सुबह सुबह मट्ठा लेकर के, और कैसे बनाया मट्ठा? बेस्ट है तुम्हारे घर पे? मलाई का बनाया, अभी दो कैमी में मलाई का बनाते हैं, ये भी हमारी की तरह, और वो काम आ जाता है। जो थोड़ी देर पहले आती तो इसके चाचा जी जो है मट्ठा लेकर के चले जाते हैं, लेकिन बहुत लेट कर दिया तुमने, अभी तो बुलाया मम्मी ने। अच्छा तो आज मुझे भी बुलाना है, हमारे यहाँ भी मलाई जमा दी थी। हाँ मैंने मलाई जमाई थी रात, तो अच्छा तो मैंने भी मलाई जमा रखी है, और मैं भी आज उसको मट्ठा बनाऊंगी। मक्खन और मक्खन, मक्खन के बाद देसी घी जो कि सभी को पसंद है। बर्फ और पानी डाल दिया है, और ऊपर से जो दही है मलाई है मैंने जमा रखी है वो भी डाल दी, और बस अब इसमें लगा देंगे रई, और लाइट आ रही है बहुत ही बढ़िया। कम है इसमें जो? इतना बर्फ का डला गिरा होगा इसमें? सेब मैंने लगा दिए हैं, इधर मैंने लगाई अपनी साड़ियाँ पॉलिथीन में करके, ये वाला रैक भी जो है साड़ी का है, ये वाली भी, और ये वाली भी, नीचे वाली भी। मेरी दीदी का बैग ये अलग ही रख दिया है, अपना बैग और ये लहंगे का बैग, और कन्नू के पापा की पैंट शर्ट नई वाली, और इसमें थैले रख दिए हैं, और ये वाले में तय करके कपड़े रख दिए हैं। एक कन्नू बेटा, ये कैसी लगी बेडशीट आज? बहुत अच्छी नहीं लगी? बहुत अच्छी लगी है। और किसके यहाँ पे जाना है अभी आपको? अन्ना जी के यहाँ जाना है।
नाना जी के यहाँ पे जाना है। हाँ। अभी आप ठीक नहीं हुए, तो जब आप ठीक हो जाओगे ना, जब चलेंगे नाना जी के यहाँ? आज ही जाएंगे। तो मैं पैकिंग तो कर लूँ? हाँ। पैकिंग की तैयारी शुरू करते हैं ना। आज इसने है ना, दूध ने बहुत परेशान किया, बहुत बहुत ज्यादा। आज इसमें मक्खन नहीं आ रहा था, बहुत देर हो गई थी इसको चलाते चलाते। कन्नू बेटा इधर बैठो आप। कन्नू चना खाइए बिल्कुल भी। बाबू खांसी हो रही है। माँ तो इतना भी नहीं कह रही थी, बस मैंने दे दिया थोड़ा बहुत, बस चले जाओ जितना मिल गया। इस पे मत बैठना मेज पे। मेरी अच्छी है खराब नहीं, लेकिन मेरे पापा का जवाब नहीं। आज गर्मी के सारे कपड़े जो है निकाल दिए हैं और अपनी अलमारी में भी लगा दिए हैं। कन्नू के भी निकाल दिए हैं और कन्नू के यहाँ पर अलमारी में निकाले हैं, निकाल कर रख दिए हैं। और साफ सफाई जो है हमारे घर में पूरी अच्छी तरीके से हो गई है। अब मुझे कन्नू को देखने के लिए जाना है कि किसके यहाँ पे जा रहा, तो उसको लेकर के भी आना है। तो चलिए चलते हैं, उसको लेकर के आते हैं। और यहाँ पे बर्तन साफ करके किचन का भी सारा का सारा काम निपटा दिया है और खाना बनाने की तैयारी जो है शुरू करनी है। इधर टंकी भी आ गई है और पानी भरने लग रहा है। तो पिताजी दूध भी लेकर के आ गए और यहाँ पर बर्तन भी साफ करके रख दिया सारे के सारे, जितने भी थे सारे के सारे बर्तन। बहुत टाइम लगाया, कम से कम 1 घंटा लग गया। बच्चों को ट्यूशन करा करके पढ़ा करके भेज दिए थे, सारे के सारे काम निपटाए हैं। दोबारा दो दो तीन तीन बार झाड़ू लग जाती है, जब बच्चे आ जाते हैं तो थोड़ा गंदा हो ही जाता है। तो यहाँ पे वाणी का भी सो रही है। देख कन्नू को जैसे मैं लेने के लिए जा रही थी ना, तो कन्नू खुद से ही आ गया, मुझे रास्ते मिल गया था। तो अब बताओ खाने में क्या बनाना है बेटा? अब घर जाने का प्रोग्राम कैंसिल होगा क्योंकि शाम तो हो ही गई है अभी। तो कन्नू सुबह से बोल रहा है कि चलो मम्मी घर चलते हैं, वो मामा जी के यहाँ पे चलते हैं, नानी के यहाँ पे चलते हैं। रात को चले जाओगे? रात को तो नहीं जा सकती, रात में तो चोर मिल जाते हैं ना रास्ते में। देखो कल किसी की बाइक छीन ली थी वहाँ पे रास्ते में चोरों ने। तो वाणी का हमारे साथ जाएगी, तो फिर हम उसके साथ में कैसे जाएंगे बेटा? अभी मैंने पैकिंग कर लिया, फिर अगले दिन जाएंगे। और यहाँ पर टेप लगा दिया है, ये देखिए। कन्नू बार बार ये पूछ रहा है कि जाने का प्रोग्राम है क्या शुरू? तो मैंने कहा हाँ शुरू ही है जाने का प्रोग्राम, जल्दी घर जाएंगे। और पैकिंग तो मैंने कर ली है अब पहले से ही। तो मम्मी ये कह रही है कि होली के बाद जाना, तो आज लड़ाई हो जाए झगड़ा हो जाए आज ही जाएंगे। हाँ चाहे पापा रोको चाहे माँ रोको, पर जाएंगे तो जाएंगे। मैं मम्मी को कह रहा था चाहे लड़ाई हो चाहे बुलाई हो, हम जाओगे तो जाओगे, चाहे पापा लोग को चाहे अब तो जाओगे जाओ। मम्मा बिना बुलाओ जब भी जाओगे। और मम्मी खाने में क्या बनाऊं? अब दाल, कौन सी दाल बनानी बताओ? मिक्स दाल कह रही है मम्मी बनाने के लिए, तो चलिए मिक्स दाल बनाते हैं। पहले मैंने तो मसूर की दाल और धुली हुई दाल बनाई थी, नहीं मसूर की दाल थी और उड़द की दाल थी धुली हुई, वही बना लो। चलिए जी, तो डिसाइड हो चुका है कि क्या बनाना है। और मम्मी से पूछा जाता है, वे बताती है खाने में क्या बनाना है क्या नहीं, क्योंकि हम तो कुछ भी बना दे, आलू गोभी बना दे, क्या फर्क पड़ता है हमें। और वैसे तो मटर भी रखी है, आलू भी रखी है, गोभी भी रखी है, लेकिन मम्मी ने मिक्स दाल बताया, तो चलिए उसे बनाते हैं। मिक्स दाल, उड़द की दाल, चने की दाल और मसूर की दाल मिक्स करके, और टमाटर लहसुन प्याज और इन सब चीज़ों से बनाया लगाया मैंने इसमें तड़का। हींग डाल दिया, गरम मसाला भी डाल दिया, बस इसको अब उतार देंगे और इसको ढक देते हैं। जाऊँगे यहाँ पे मट्ठा बना दिया है सभी के लिए और यहाँ पे दूध भी पका दिया। ये देखिए, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने चैनल यूपी ब्लॉगर गोपी पाल में। और मेरी बिटिया मेरी गोदी में आ गई है सोने के लिए, ईयर हो रही थी सबके पास। जब इसको पता लग जाता है कि पापा जी आ गए हैं तो ऐसे से करना पड़ता है पापा जी को लेके, तो इसको झूलने की आदत पड़ेगी ऐसे। इसके लिए पालना नहीं है ना इसके पास में, तो ये पापा की गोदी में ऐसे झूलती है और इसको इस तरह से पापा झूला सकते हैं। अगर मैं घूमना बंद कर दूंगा ना तो उग जाएगी। देखते हैं उधर गोभी और कन्नू, वे अपने बेटे को सुला रही है और मैं अपनी बेटी को सुला रहा हूँ। फिर दादी पूरे दिन थक जाती है इसको लेते लेते, तो शाम के टाइम थोड़ा सा इनको रिलैक्स मिल जाता है मेरे आने से।
पर ऐसे करने से मेरी भी कमर दुखने लगती है इस तरह से करने से। घर में आया था पिताजी के पास, पर आज पिताजी सो रहे हैं, और सो इसलिए रहे हैं क्योंकि आज जो अक्षित है उसकी चल रही है पढ़ाई, तो वो आज उसने जो ये है बैठक ही चुनी है पढ़ने के लिए। पिताजी पिताजी कह रहे हैं मैं सो नहीं रहा हूँ, मुझे लग रहा कि आप कंबल ओढ़ के पड़े थे तो सो रहे होंगे। मच्छर लग रहे थे। अच्छा मच्छर लग रहे थे तो आपने चादर ओढ़ रखी थी इस वजह से, मैंने सोचा सो रहे, आज टीवी नहीं चल रहा तो सो गए होंगे। तो टीवी किस लिए बंद कर रखा है? पढ़ाई की वजह से बंद कर रखा है। और आपकी पोती को मैं सुला के आया हूँ अभी, हाँ रो रही थी वो, मेरे पास आ गई, मेरे गुद्दी में आके छुप हुए। हाँ पापा के पास सुला रोज के रोज, मैं उसको रोज के रोज आपको दिखाता हूँ, पिछली वीडियो भी कल भी मैंने उसको ऐसे ही रात को हिला के डुला के सुलाया था। पूरे दिन मैं ऑफिस में काम करके आता हूँ और फिर शाम को आके बिल्कुल सुलाता हूँ। और आपको तो परेशान किया होगा मेरे बेटे ने, बढ़िया। सुबह सुबह आज उसने पिताजी को बहुत गुस्सा दिला दिया था क्योंकि पिताजी के चिपट गया था करैक्स लेने के लिए, और करैक्स उसके लिए बहुत खतरनाक चीज़ है बिल्कुल। उसे मना किया डॉक्टर ने कि करैक्स छूना भी नहीं है इसको, वरना खांसी इसकी ठीक नहीं होगी। तो छह घर चलिए पिताजी को, अभी मैं बोलता हूँ कि पिताजी आराम कर ले, और आज पिताजी की टीवी की छुट्टी हो गई है क्योंकि आज पिताजी का जो पोता है वो पढ़ाई कर रहा है, तो ये जब पढ़ाई करके सोएगा उधर जाके तब पिताजी अगर जग रहे होंगे तो टीवी चलाएंगे, नहीं तो नहीं चलाएंगे। और उधर भी देख सकते हैं जाके टीवी अपनी पोती के पास, पर वो अपने सीरियल लगा के बैठी होगी वो देखने नहीं देगी, है ना। तो पिताजी समझदार है तो पिताजी ने सोचा चलो नीचे से देखनी है, सुबह को देख लेंगे जाते ही। तो पिताजी खाना खा लिया? पिताजी खाना खा चुके हैं, और बस अब मैं भी अपना चेंज करता हूँ क्योंकि आज ऑफिस से आया हूँ तो थोड़ा सा देखभाल करके आना पड़ता है, क्योंकि रास्ते में कल जो घटना हुई थी उसको ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसे भी हो जाता है कभी कभी, और उनका भी कुछ पता नहीं लगा। पर कल ये जाएंगे, कल थाने में जाएंगे, उनकी कॉल हिस्ट्री वगैरह निकलेगी कौन थे, कल पता लग सकता है कि ये कौन लोग थे। तो जी वहाँ का हमारा बेटा सो गया है, बस इसको अब जा लिटाना है मुझे रूम में। मम्मी ये लो आपका पोता सो गया है, अब इसको लिटाओ। ये पढ़ते पढ़ते सो गया, ये पढ़ाई करते करते सो गया है, और आप चले गए अपने दादी की गोदी में, और ठंड सी लग रही है हल्की हल्की सी, भी शाम के टाइम ठंड होती है। और जो बिटिया है वो इधर सो गई है अपनी मम्मी की गोद में, सुलाई तो उसे मैंने ही है, सुलाने के बाद इनको दे दिए, तो वो मेरे पास ही सोती है आजकल। तो चलिए जी खैर इसी के साथ आज अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, और जल्दी मिलते हैं आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारे नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।